हेलो दोस्तों, पढ़ाने से पहले चलो एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त था, वो क्लास का टॉपर था। उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, जबकि उसका अगर आप आईक्यू लेवल बोलोगे तो वो एवरेज लेवल का था, लेकिन मार्क्स आते थे वो बहुत अच्छे आते थे। जो भी उसको बोलो कि यार कितने मार्क्स आए, फुल बड़ा फुल मार्क्स आए। तो मैं एक दिन इसके पास गया, मैंने पूछा कि यार मतलब मुझे भी बताओ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। तो इसने मुझे बोला कि जो भी तू काम करता है उसको दो बार कर, मतलब जो तूने नोट्स बनाए हैं उसको दो बार पढ़, जो तूने वीडियो सुननी है वो दो बार सुन। तो मतलब अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी मतलब रिविजन अच्छी होगी और तू उस टॉपिक में अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, एक बार पढ़ने से तो वैसी कोई चीज समझ में नहीं आती है। हम कौन सा आइंस्टाइन है कि हम एक बार पढ़ के मतलब पूरा छा जाए। तो दो बार पढ़ना तो बहुत जरूरी है। चलो मुझे समझ आ गई ये एक उसका जो मतलब लॉजिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको यूज किया। तो मैंने दो बार पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे लगा कि यार मुझे पढ़ने से इतना बेनिफिट हुआ दो बार, कि मेरा ना टाइम बहुत कम लगने लग गया, कि मैं उस चीज को बड़ी जल्दी ग्रास्प करना शुरू कर दिया। तो अब दो बार पढ़ लिया, अब एक मंथ के बाद फिर मुझे वो चीज भूलनी स्टार्ट हो गई। हर बंदे की आदत है यार, हमारी मेमोरी एक ऐसी भगवान ने बनाई है कि वो रिटेनिंग पावर, मतलब बंदे की कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं और पुरानी चीजें उसमें से जाती रहती हैं दिमाग से। तो अब मैंने सोचा कि यार अब फिर मैं इसके पास गया, मैं कह यार मुझे बता अब मैं कैसे उसको एक लंबे टाइम तक उसको याद रखूं। तो उसने मुझे बोला कि कोई इसका मतलब लॉजिक नहीं है, इसको तूने क्या करना है, जो तू मतलब तेरे बड़े बड़े नोट्स है ना उसके छोटा छोटे की टर्म्स बना, जैसे कि मैं आपको मैनेजमेंट की समरी देता हूँ ना लास्ट में, ऐसे की टर्म्स बनाओ। तो की टर्म्स बनाने के बाद मैंने क्या किया, उन की टर्म्स को मैं एक हफ्ते में रिवाइज करता था, मतलब हर हफ्ते, जैसे एक मंथ में 4 वीक, ठीक है, तो 4 वीक में हर वीक मैं उसको रिवाइज करता था। पहले वीक मुझे यार आधा घंटा लगा, ठीक है, दूसरे वीक मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, तीसरे वीक 5 मिनट लगे, और उसके नेक्स्ट वीक मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। तो मुझे क्या हुआ कि इससे मेरा पूरे मंथ, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो बस उसको हर हफ्ते रिवाइज कर लेता था, 2 मिनट लगते थे, 2 मिनट में मेरा सारा कुछ सही हो जाता था। अब आप लोगों का भी, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो ना कि मैनेजमेंट को कैसे याद रखना है, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है यार। मैंने अपनी मतलब जो मेरी पर्सनल मतलब जो मुझे बेनिफिट हुआ है जिन चीजों से, मैंने वो चीज आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आप क्या करो ना, की टॉपिक्स, की टर्म्स बनाओ, एक चैप्टर की टर्म्स बनाओ। जैसे मैं आपको समरी प्रोवाइड करता हूँ, उस समरी को तो यार एटलीस्ट आप लिख लो, इतना यार इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपने फंक्शनल मैनेजर बनना है, पीसीएस लेवल की पोस्ट है, अगर आपको इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे तो यार कैसे हो पाएगा। चलो ये थी मजेदार स्टोरी, मेरी स्टोरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज करो, आपको बेनिफिट जरूर होगा, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स पे लिखते रहो, हम आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ। अब मैंने फर्स्ट एमसीक्यू, जो फर्स्ट 10 एमसीक्यू हैं, वो मैंने लेक्चर 1 से लेके 6 तक जो मेरे लेक्चर थे उनमें से लिए हैं, और 7 लेक्चर का मैंने अलग से, बाकी सारे एमसीक्यू 7 लेक्चर से हैं। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 7 लेक्चर के मैं ज्यादा एमसीक्यू वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाया था, तो इससे आपको मतलब वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एम्प्लॉयज हैव टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट देयर वर्क प्लेस। तो इसको हम बोलते थे वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है कि हम, जैसे एक बंदा है, एक मशीन बहुत कॉस्टली मशीन है, हम चाहते हैं कि बंदे को, जो बंदे ने इस पे काम करना है, उस बंदे को पहले एक छोटी सी मशीन जो कि एक रूम में पड़ी है उसी में पहले उस पे प्रैक्टिस करवाई जाए, वो उस मशीन को अच्छे से समझ ले, फिर उसको उस मशीन पे भेजा जाए, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो मशीन को खराब कर दे जो कि बहुत कॉस्टली मशीन है, और वो अच्छे से चला भी पाए मशीन को। तो इसलिए वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द न्यू एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फैमिलियराइज देम विद द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज, देयर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यार इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे आपकी जॉब लगेगी, जैसे आप फंक्शनल मैनेजर बन जाओगे, तो सबसे पहले आपका इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। आप किसी कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में आप प्रोफेसर बन जाओ, तो वहां पे भी आपका क्या होगा, इंडक्शन प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये हर जगह होता है। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब ये क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया जाए, जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ मिलाया जाए, जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ मिलाया जाए।
मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन अ क्लोज लाइजन विद द यूनिवर्सिटीज वोकेशनल स्कूल्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। इसको क्यों किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेजेस में क्यों जाती है? कॉलेज में यार कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाती है ना, तो वो क्यों जाती है? उसके साथ वो कॉन्टेक्ट क्यों बना के रखती है? ताकि अच्छे बच्चे लेके आए। अगर अच्छे बच्चे लेके आएगी तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए किया जाता है। दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजन जजमेंट। तो इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंसी टेस्ट। अगर कोई बंदे को एक मतलब टिपिकल क्वेश्चन आ गया, वो टिपिकल क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, ठीक है, तो चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन उसको पता लग रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बट सी और डी में लग रहा है, बट वो अपनी इंटेलिजेंसी यूज करता है कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने पीछे पीछे सुना था, न्यूज में है, तो हो सकता है सी आंसर हो, तो उसने अपना एक डिसीजन लिया किसी जजमेंट के बेस पे। तो इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इज द की फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? बहुत आर्ट एंड साइंस है। इट इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सभी चीजों को एक साथ बाइंड करके रखता है। मतलब जो भी एक्टिविटीज होनी है, मान लो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, तो उन सभी को सिंक्रोनाइज करना इसका काम होता है, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स रिक्वेजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस। देखो जो सारी एक्टिविटीज को क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस में अरेंज करता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे आप मान लो कि आप 10 10 10 दोस्त हो, तो वो खेलने का प्रोग्राम बनाते हो कि हम यार संडे को क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो क्रिकेट खेलने के लिए हर बंदा दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि हाँ यार मैं तू बैट ले आना, तू वो विकेट ले आना, ठीक है, वो बॉल ले आएगा, ठीक है, हम इतने बजे ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। तो वो सारा क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ये सारी चीजों को मतलब सिंक्रोनाइज करता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डिलीवरी प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई तुक्का नहीं है यार, ये एक सोची समझी मतलब रणनीति के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे कि मैंने HCL का एग्जांपल आपको दिया था। मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सोर्स दिस स्टेटमेंट? मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब हर जगह है, चाहे टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, कहीं मर्जी आप चले जाओ वहां पे इसका यूज है। पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मतलब यूज होती है। मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड। एक बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या था? मनी। मनी किसके लिए चाहिए? एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए, उसको रन करने के लिए चाहिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट? टेंजिबल एसेट कौन से हो सकते हैं? जिनको आप छू सकते हो। जिनको नहीं छू सकते वो कौन से होते हैं? ट्रेडमार्क्स। और उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोक्योरमेंट करनी है आपकी मनी को। आपने मतलब एक नई ऑर्गेनाइजेशन लगानी है, जो अपनी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेने के लिए उसको क्या है कि प्रोक्योर करना पड़ता है फंड। प्रोक्योर कितने में करना है उसने? वो चाहता है कि कॉस्ट मिनिमम में वो प्रोक्योर करे, या तो बैंक से ले ले, या तो इक्विटी, या फिर शेयर से ले ले पैसा, ठीक है। तो फिर उस और जो पैसा उसने लिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अपने कामों में इफेक्टिवली यूज करे, तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। जितना पैसा उसने उधार लेना वो कम से कम पैसे पे ले, और कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। मतलब उसको ऐसा ना हो कि वो देनदारियों में फंस जाए, ठीक है, उसको बैंक का लोन ही ना चुकाया जाए। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो भी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जो एक कंपनी में एक शेयर होता है जिसका, मान लो आप इंफोसिस का शेयर खरीदते हो, तो आप भी एक उसके शेयर होल्डर बन गए, लेकिन जिसके पास 51% शेयर होते हैं तो वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम शेयर है, तो मैक्सिमम पावर उसके पास आ जाती है। दिस डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, आपने एक लैंड खरीदना है, ठीक है, आपने जैसे टाटा मोटर्स ने मैंने आपको एग्जांपल दिया था जेगुआर खरीदा, तो वो क्या था? एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, ठीक है। परचेजिंग अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसको आप बोलते हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और इसी में आप क्या करते हो, आप मतलब न्यू मशीन खरीद सकते हो, आप एक लैंड खरीद सकते हो, एक आप कंपनी को एक्वायर कर सकते हो, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आते हैं। The size of assets, the profitability and the competitiveness are all affected by the capital budgeting decision. देखो जो मैंने आपको बोला था ना, जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन छोटे लेवल के डिसीजन होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के रिलेटेड हो गया, आपने एक पेन खरीदना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मतलब छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन में आते हैं। लेकिन जो बड़े खर्चे हैं जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे आपने कंपनी को टाटा मोटर ने जगह को एक्वायर कर लिया,
तो वो सारे क्या हम बड़े डिसीजंस है, तो बड़े डिसीजन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो छोटे डिसीजन होते हैं इनके साथ लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो ये कंपिटिटिवनेस और सभी को अफेक्ट करते हैं, दिस डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का जहां पे मतलब आ गया वहां पे वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, जितना आपके पास कैश है उससे आप देखो अपनी डे टू डे जरूरतों को पूरा करोगे, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। देव हैज टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी इन हैंड, द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन द बोथ द प्रोजेक्ट्स, इफ द रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए एंड बी इज 20 and 15% respectively, then under normal circumstances, which of two projects is likely to be selected? जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने 1,000 रुपया लगाया तो आपको कितना रुपया आया, इसका 20% आया, वहां पे 15% आ रहा था, तो कौन सा लोगे आप? ऑब्वियसली है जहां पे रिटर्न ज्यादा आएगा वही लोगे। दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो इसको आप बोलते हो फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको बताया था, फाइनेंसिंग डिसीजन में आप क्या करते हो कि एक डिसीजन लेते हो कि हमने फाइनेंस कहाँ से जनरेट करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास सोर्सेज है, आप बैंक के पास भी जा सकते हो, इक्विटी के पास भी जा सकते हो, तो आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए इफेक्टिव है। द इनबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। आप देनदारी जो बैंक से पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट तक नहीं पे कर रहे हो तो आप क्या बिजनेस चलाओगे यार? तो इसी को आप बोलते हो फाइनेंशियल रिस्क हो गया, मतलब इसको आपको दूर करने की जरूरत है। ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल, जितना ज्यादा डेप्ट होगा, डेप्ट कितना है? अगर आप जितना ज्यादा उधार लोगे उतना ज्यादा रिस्क ज्यादा है, लेकिन डेप्ट क्या होता है, वो चीपर है। आप एक बैंक में फोन करके उसको बुला सकते हो, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट कोई बंदा बिठाने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में। तो सभी के अलग फायदे हैं अलग नुकसान है। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंशियल डिसीजन, अगर आप देखो मैंने आपको बता दिया जैसे आप डेप्ट लोगे तो उसके क्या फायदे हैं, इक्विटी लोगे तो क्या फायदे हैं। डेप्ट चीपर है, ठीक है, इक्विटी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन डेप्ट में क्या रिस्क ज्यादा है, इक्विटी में क्या है रिस्क कम है। तो फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द कैपिटल शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय बिजनेस इफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह के डेप्ट होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर ही खर्चे बहुत ज्यादा हैं तो आपको सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको डे टू डे खर्चे निकालने में जरूरत दिक्कत हो रही है, तो आप इंटरेस्ट कहाँ से पेमेंट करोगे? तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपकी कंपनी के एसेट्स एक्वायर कर लेगा, तो इसलिए ये चीज में मत फंसना। दिस डिसीजन डिटरमिन्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। ये तो सेम स्लाइड है। तो फाइनेंशियल डिसीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द कैपिटल शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय बिजनेस इफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। डिबेंचर्स मैंने आपको बताया। व्हेन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज राइजिंग, ए कंपनी में इशू इन ऑर्डर टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जब आप मतलब शेयर मार्केट से पैसा उठाते हो, अगर आपका स्टॉक मार्केट अच्छा हो रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा हो रहा है, तो आपको जो 10 रुपए का शेयर था 20 रुपए के शेयर में भी खरीदने को लोग तैयार है, तो आप क्या करोगे, अपना जो शेयर 10 रुपए से मिल रहा था तो 20 रुपए में मिल रहा है, तो आपको ज्यादा पैसा आ रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो क्या करोगे, इक्विटी की तरफ जाओगे। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बीरिश, अगर स्टॉक मार्केट डाउन है तो आप क्या करोगे, आप डेप्ट की तरफ जाओगे, आप इक्विटी की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है, तो डिबेंचर्स की तरफ जाओगे। नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच लीड्स टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जैसे आपने यार बैंक को तो इंटरेस्ट देना है, तो जो लोगों ने आपका शेयर खरीदा हुआ है इक्विटी में उनको आप क्या दोगे, उनको आप पैसा दोगे, उनको उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ए कंपनी इज नॉट लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। When a company has a lucrative forthcoming business opportunity, अगर एक कंपनी है यार, उस कंपनी ने आगे ग्रोथ करना है, ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मशीन्स लगानी पड़ेंगी, उसको लैंड और लेना पड़ेगा, उसको हाई स्किल वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वो सारी चीज के लिए पैसा चाहिए, तो वो सारा पैसा अगर यही यूज कर लेंगे तो डिविडेंड कहाँ से देंगे? तो बी इज द राइट आंसर। ए कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स इफ टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लोअर। मैंने आपको क्या बताया था कि हाइयर डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जैसे इसने अर्निंग की, एक कॉर्पोरेट ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस अर्निंग पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स क्या होता है कि अगर उस कंपनी की सारी अर्निंग टैक्स में निकल जाती है तो वो डिविडेंड कम देगी। तो टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली जहां पे लोअर होंगे वहां पे डिविडेंड ज्यादा देगी कंपनी, क्योंकि उसका टैक्स में पैसा कम जाएगा तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो डिविडेंड अच्छा देगी। इट इज एसेंशियल दैट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन आइडेंटिफाई द रिलेटेड कंसर्न। फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत है वो पैसा रेडली अवेलेबल होना चाहिए, और उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यूज कर रहे हो तो मतलब उस टाइम पे
जब आपको उसकी जरूरत है, और वो उतना ही यूज करना है जितने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि आपको मतलब 10 करोड़ का आपको सेंक्शन था, आप उसमें से 15 करोड़ यूज कर दिए, तो मतलब ये भी एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं है इस केस में, ठीक है। तो नेम द प्रोसेस दैट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट बोथ क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं इसको भी, जितनी जितनी क्वांटिटी पैसे की चाहिए वो उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ, एक मंथ में आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर आपके पास उस मंथ में मतलब पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है। ए कंपनी मस्ट अडहेयर टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी कंपनीज एक्ट व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस बीइंग मेंशनड इन द अबव लाइन। लीगल कंस्ट्रेंट्स, लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि यार मतलब एक कंपनी पे बाउंडेड होगी कंपनी, उसके कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मैंने इतना डिविडेंड देना ही देना है। मतलब उस कंपनी ने अपनी रेपुटेशन इस तरीके से अच्छी बनाई हुई है कि मैं यार डिविडेंड देती हूँ, बट अगर वो डिविडेंड वो इस तरह का एक्ट बनाती है तो उसको डिविडेंड सच में देना पड़ेगा चाहे उसका प्रॉफिट कम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो जब पैसे की जरूरत है पैसा होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ करने में जरूरत होता है, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम, मतलब यार जितने की जरूरत है उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए ये तो गलत है, ठीक है। द फाइनेंशियल प्लान्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशंस। देखो फाइनेंशियल प्लान जब भी बनते हैं तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स को देख के बनते हैं, परफॉर्मेंस को देख के बनते हैं, इन्वेस्टमेंट को देख के बनते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आर नोन एज, मैंने आपको बताया कि जैसे 10 करोड़ का बजट सेंक्शन हुआ था तो ऐसा नहीं है 15 करोड़ यूज कर लो, 10 करोड़ में ही काम करना पड़ेगा, तो उससे आपका क्या है कि आपका पैसे का आप सही से मैनेज कर रहे हो। इसको आप बोलते हो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं इसको आप बोलते हो बजट्स। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फोरकास्ट करोगे सेल्स कितनी हो रही है यार। अगर सेल्स हो रही है तो मतलब अच्छी हो रही है तो आप मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचोगे, मतलब आप अपना डिविडेंड ज्यादा दोगे, तो वो सारा उस फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करता है। आपने जैसे पहले सबसे पहले सेल चेक कर ली, सेल चेक करने के बाद आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी है, मतलब मेरे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, मेरे मतलब खर्चे देनदारियां कितनी है, उसके बाद आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद आप डिविडेंड डिसीजंस करोगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली ये तीन चीजें देखी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है यार लिंक करता है प्रेजेंट और फ्यूचर के, क्योंकि आप जो अभी डिसीजन ले रहे हो वो फ्यूचर के रिलेटेड ले रहे हो, फ्यूचर मतलब भी आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए, ठीक है, तो एक लिंक का काम करता है, तो ये गलत हो गया। ट्राइज टू डी लिंक, डी लिंक नहीं है लिंक का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स लोन है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो ओनर्स फंड नहीं है। ओनर्स फंड कौन से होते हैं, जो इक्विटी होगी और रिजर्व्स उसके पास मतलब कैश इन हैंड जितना पैसा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स कौन से होते हैं, जो कि आपने उधार लिए, जैसे डिबेंचर्स आपने उधार लिए, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने उधार ले लिया, पब्लिक से आपने पैसा उठा लिया, लेकिन जो आपके पास खुद की अर्निंग है उसको बोरोड मनी नहीं है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कॉस्ट ऑफ डेट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने आपको बताया था जो डेप्ट है वो लिटरली चीपर होता है। चीपर क्यों होता है, क्योंकि आप एक फोन पे बैंक को अपने पास बुला लेते हो, लेकिन आप ऐसा इक्विटी के केस में नहीं कर सकते। इक्विटी के लिए आपको वहां पे बंदे बिठाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि मेरी कंपनी अच्छी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। तो नॉट ट्रू। तो अगर आप डेप्ट का इंक्रीज करते हो, इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट डिक्रीजेस नहीं करेगा, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उधार लोगे यार उतने उधार में फंस सकते हो, तो उतना आपको फाइनेंशियल रिस्क है। नेम द डिसीजन विच इफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि आपने डेप्ट लेना है या आपने इक्विटी लेनी है, तो उसी पर डिपेंड करता है आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है, वो दोनों इसी चीज पर डिपेंड करती है। ए हायर फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताया था, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो अगर ये अच्छा है तो आप कहो, अगर मतलब फाइनेंशियल लिवरेज है, ये फार्मूला है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है फाइनेंशियल लिवरेज, तो डेट इंक्रीज कर रहा होगा, तो डिपेंडेंसी ऑन अ फर्म ऑन द डेप्ट इज मोर। एज द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ कंपनी इंक्रीजेस इट लीड्स टू, अब फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज कर रहे हो तो डेट इंक्रीज कर रहे हो, डेट इंक्रीज कर रहे हो तो ए डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ फंड्स बट एन इंक्रीज ऑन द फाइनेंशियल रिस्क। तो क्या होगा आपका, जो आप डेट लेते हो तो डेट क्या है, जो रिस्की है क्योंकि उधार में फंस सकते हो, ठीक है, बट उसमें क्या है कि वो चीपर है, तो कॉस्ट ऑफ फंड इज लेस। व्हेन डज द अर्निंग पर शेयर राइजेस विद हायर डेट, when the rate of return on investment is higher than rate of interest। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जब EPS earning per share, मतलब उसमें जब आप EPS निकालते हो, ठीक है, EPS क्या है, आपकी अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग अगर ज्यादा होगी तो आप इससे क्या मतलब सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट से,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डेट ले सकते हो। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन मतलब इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है, इंटरेस्ट देना उसको, तो अगर वो लेस है तो आप उस केस में डेट मत लो, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन हो गया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन है कंपनी शुड नॉट इशू डेट कैपिटल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेस लो। देखो जब, क्योंकि आपको क्या होता है ना, जब आप डेट लेते हो, जब आप उधार लेते हो तो उस उधार पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बट अगर वहां पे टैक्स रेट लो है तो आपको उस चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू यूज ऑफ फिक्स कैपिटल व्हेन द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो। तो ठीक है, जब आप क्या करते हो कि जब आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, तो फिक्स कैपिटल में इनफेक्ट, फिक्स कैपिटल क्या होता है कि आपने मतलब जयगोर को एक्वायर कर लिया, तो क्या करे, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बिजनेस को इफेक्ट करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है उसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बार ले लिया वो चेंज नहीं हो पाएंगे, बट बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो नहीं होता, बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है उस केस। तो ये थे यार बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो और खुश रहो। ओके, थैंक यू।